गॉड ब्लेस। परमेश्वर तुहानू सभना नू आशीष और बरकत दे। उम्मीद करदे आ कि तुसी आराधना दे विच पवित्र आत्मा दी भरपूरी नू महसूस कीता। हुण वी करदे आ और उम्मीद करदे आ कि हुण जो समा पहुंचिया आ खुदावंद दे कलाम नू सुनन दा समझण दा, और मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा उहदे अनुसार चलण दा वी तुहानू बल दे, क्योंकि जे असीं वचन दे अनुसार चल नहीं रहे आ ते साडा सुनन दा कोई फायदा नहीं है, साडा पढ़न दा कोई फायदा नहीं है। ये फायदा इहदा बेनीफिट तुहानू उस दिन मिलना शुरू होना जद तुसीं इहदे अनुसार चलना शुरू कर दिता। इकल्ला पढ़ना काफ़ी नहीं है, सुनना काफ़ी नहीं है, इहदे अनुसार चलण वाला बंदा जिहड़ा आ उह परमेश्वर दी नज़रां दे विच मुबारक कहलाउंदा आ। बोलो हालेलुया। याकूब दा खुदा तुहानू सभनां नू आशीष और बरकत देवे। मेरी दिलों तुहाडे सारिआं दे लई दुआ आ और खुदा तुहानू सारिआं नू बहुत ताईत दे नाल आशीष और बरकत देवे। और वचन दे विच जाण तों पहलां आपां कुझ गल्लां कर लईए जिहड़ियां कि वचन दे नाल संबंध रखदियां आ, क्योंकि जद तक असीं वचन पढ़न दे विच और वचन नू सुणन दे विच इन्ना सीरीयस नहीं होवांगे तद तक असी खुदावंद दे कोलों बरकत नू नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर असी लापरवाही दे नाल चलांगे क्रिश्चियनिटी दे विच जां स्पिरिचुअलिटी दे विच, अगर आत्मक तौर ते असी लापरवाही दे नाल चलांगे ते इह पॉसिबल नहीं है कि असी तरक्की नू प्राप्त करिए। असी आत्मक बणीए या असी आत्मा दे फलां नू प्राप्त करिए, इदां नहीं हो सकदा अगर असी लापरवाही तो हटदे नहीं हाँ। अगर असी लापरवाही दे नाल चलदे हाँ, यानी कि जदों टाइम है जां जदों दिल कीता उदों दुआ मंग ली, जदों दिल नहीं कीता उदों नहीं दुआ कीती, जदों दिल कीता बाइबल पढ़ लिया, जदों दिल कीता उदों नहीं बाइबल पढ़िया, इहदा मतलब असी लापरवाही दे नाल चलदे। जदों टाइम हैगा उदों चर्च आ गए हाँ, जदों टाइम नहीं है उदों कोई दिक्कत नहीं, असी जॉब ते हाँ, असी अपने बिजनेस ते हाँ, असी अपने परिवार च हाँ, कदी किसी दे गए हैं जां कोई तुहाडे कोल आया होया, इहदा मतलब तुसीं मसीह दे विच चल तां रहे हां पर लापरवाही दे नाल। रुक के चलण वाला बंदा दौड़ दे विच जित नहीं सकदा, मेरी गल याद रखना। अगर तुसीं दौड़ दे विच हिस्सा लिया आ ते तुहानूं दौड़दे रहना चाहीदा है और दौड़दे रहना पैणा आ। अगर तुसीं मुकट लैण दी इच्छा दे विच आ, अगर तुसीं इनाम लैण दी इच्छा दे विच आ ते तुहानूं लगातार दौड़दे रहना पैणा आ तां तुसीं मुकट नूं प्राप्त करन दे हकदार आ। और अगर तुसीं किते रुकदे आ, अगर तुसीं चर्च मिस कर रहे आ, अगर प्रेयर मिस कर रहे आ, अगर तुसीं बाइबल पढ़ना मिस कर रहे आ, अगर तुसीं अपना जिहड़ा दान दसवंत देना मिस करदे आ, इहदा मतलब जिस दौड़ दे विच खुदा ने तुहानूं दौड़न दे लई कहा आ तुसीं दौड़ तां रहे आ पर रुक रुक के। अगर तुसीं रुक रुक के दौड़दे पे आ ते मैनूं लगदा कि तुसीं जित नहीं सकदे, क्यों? इह तुसीं बखूबी जाणदे आ अगर दौड़दे विच अगर पूरे जोर दे नाल ना दौड़िया जावे ते तुसीं जित नहीं सकदे। अगर एक परसन थोड़े टाइम लई भी रुक जांदा ते उह बहुत पिछे रह जांदा आ, उहदे नाल दे दौड़न वाले परसन बहुत अगे चले जांदे ने। और इसी रीति दे नाल अगर तुसीं आत्मक तौर ते देखो तुसीं तरक्की नूं बिल्कुल छू भी नहीं सकदे, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ। अगर असी रुक रहे हैं तो इट मीनस असी अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जीवन का मुकट तुहाडे कोलों बहुत दूर चला जाएगा, जीवन की पुस्तक च नाम नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि रुकन वाले बंदे का नाम जीवन की पुस्तक दे विच नहीं लिखा जाता, उस परसन का नाम जीवन की पुस्तक च लिखा जाता। और दौड़ दे विच उही परसन जितदा आ जिहड़ा लगातार दौड़दा आ बिना रुके, जिन्हें अपना स्टैमिना बना के रखा होया आ, जिन्हें अपनी जिंदगी नूं प्रॉपर रीति नाल मेनटेन करके रख्या होया कि मेरा जिहड़ा ए वाला टाइम आ सिर्फ खुदा दा है, मेरा ए वाला टाइम आ सिर्फ बाइबल दा है, मेरा आ वाला टाइम आ सिर्फ और सिर्फ प्रेयर दा है, मेरा आ टाइम खाने दा है, मेरा आ टाइम किसी नूं मिलण दा है, मेरा आ टाइम मार्केट जाण दा है, मेरा आ टाइम बैठना है परिवार दे विच अपनी वाइफ दे नाल, अपने बच्चियां दे नाल, अपने परिवार दे विच,
प्रॉपर रीति समा देना है। अगर तुसी अपना टाइम शेड्यूल बना के चलते मतलब तुसी अच्छे रीति दौड़ रहे हैं। पॉल कहता मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका है, अच्छी लड़ाई उदा लड़न का मकसद ये मतलब ये और तुहाडे मेरे तक इस गल नूं पहुंचाउण दा मतलब ये कि असी भी अच्छी लड़ाई लड़िए। यह ना हो कि तुसी खुदा दे विच इन्ना वध जाओ और तुसी अपने अपनी वाइफ नूं टाइम ना दिओ, अपने परिवार नूं टाइम ना दिओ। तुहाडा जिहड़ा टाइम शेड्यूल आ ये अच्छे रीति दे नाल मेनटेन होना चाहिए आ। वाइफ नूं वाइफ का टाइम दिओ, बच्चों नूं बच्चों का टाइम दिओ, परिवार नूं परिवार का टाइम दिओ और खुदावंद नूं खुदावंद का टाइम दिओ, आए हुए लोगों नूं टाइम दिओ, जां तुसीं कितें जा रहे हो उन्हां टाइम दिओ। ये तुसीं मेनटेन करना है, तुसीं सीरियस होना है आत्मक जिंदगी दे विच। अगर तुसीं बुरियां आदतां दे नाल ग्रस्त हो, मतलब जो दिल किया दुआ कर ली, जो नहीं टाइम मिलिया, अज गैसट आ गया, अज दुआ मिस हो गई, अज असी कि जाने का प्लैन बना लिया, दुआ दुआ मिस हो गई, यदा मतलब तुसी बुरी आदतों के नाल ग्रस्त हो, बुरिया आदतों के नाल जकड़े हुए। पर मैं थोड़े उस वहम दूर करना चाहता, अगर बुरिया आदतों तुसी छड़दे नहीं आ तो याद रखना बाइबल की कहता है। बाइबल कहता जे बंदा बुरिया आदतों के विच जकड़ गया है या बुरिया आदतों के नाल ग्रस्त है, परमेश्वर उन्हों ओदियां बुरिया आदतों के विच ही रहन देंदे है, फिर कढ़दे नहीं है बाहर, क्योंकि वह खुद नहीं निकलना चाहता। जब तुहानू पता है कि परमेश्वर के अगे जाना बहुत जरूरी है, चाहे तुसी सुबह के टाइम जाओ, चाहे दोपहर के टाइम जाओ, चाहे रात के टाइम जाओ, जिन्ना समा परमेश्वर तुहानू चाहते हैं कि तुसी खुदावंद के कदमों के विच आओ, यह जाना बहुत जरूरी है। तुहानू पता है बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, पर तुसी मिस कर रहे हैं, यानी कि दौड़ दे विच रुक रुक के दौड़ते पे हैं, जित भी नहीं सकते, इनाम लैण दे हकदार भी नहीं, तुहाडा नाम अनाउंस ही नहीं किया जाएगा कि तुसी इनाम दे बहुत करीब पहुँच गए हैं या मुकट दे बहुत करीब पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि तुसी रुक रुक के चलते पे हैं, और रुक रुक के चलन वाला बंदा जिहड़ा बुरियां आदतां दे नाल ग्रस्त है। अगर तुसी सिगरट पीन दे आदी हां, अगर तुसी नशा करन दे आदी हां और तुसी क्रिश्चियन आ, इहदा मतलब तुसी रुक रुक के चलते पे हां। अगर तुसी कदी कलाम नूं सुन लैंदे आ जां वर्शिप दे विच खुदा तुहानूं छू लैंदा आ और तुहाडा मन चेंज हुंदा, तुहाडा मन बदलदा आ और तुसी उहनां बुरियां आदतां तों तौबा करन दी कोशिश करदे आ, पर उह 10-15 दिनां तक रहिंदी आ तौबा, उस तों बाद तुसी फिर किसी प्रॉब्लम दे विच आउंदे हो, तुसी फिर तों उसी नशे नूं दोहरांदे आ, इहदा मतलब तुसी बुरियां आदतां दे नाल ग्रस्त आ। तुसी रुक रुक के चलन वाले आ, और रुक रुक के चलन वाला बंदा जिहड़ा आ उह दौड़ दे विच जित नहीं सकदा। मेरी गल नूं याद रखना, गौर करना, लापरवाही करनी बंद कर दिओ अपनी जिंदगी दे विच, कि तुहाडा प्रेयर टाइम फिक्स होना चाहिए, तुहाडा बाइबल का टाइम फिक्स होना चाहिए आ, और पता होना चाहिए, तुहानूं भी पता होना चाहिए, तुहाडे परिवार नूं भी पता होना चाहिए कि इह जिहड़ा टाइम आ इह इस परसन का प्रेयर का टाइम आ, इह इस टाइम दे विच परसन प्रेयर करता पिया, इस टाइम दे विच परसन बाइबल पढ़ता पिया है। हालेलुया। क्योंकि तुसी अगर लापरवाह आ इस गल दे उपर, तुसी सीरियस नहीं आ, ते तुसी जदों मर्जी गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि तुहाडा टाइम फिक्स नहीं है। तुहाडा जिहड़ा टाइम फिक्स नहीं है, शैतान जिस टाइम दे विच तुसी चाहुंदे आ दुआ करनी, शैतान तुहाडे उस टाइम शेड्यूल नूं भी खराब कर देगा। हालेलुया। तुसी अपने इस दिमाग नूं समझाउण दी कोशिश करनी है, तुसी जिस दिन अपने दिमाग नूं समझा लिया, तुसी उसे दिन कामयाब होना शुरू हो जाओगे कि मेरा सवेरे उठ के टाइम जिहड़ा आ उह प्रेयर दा आ जां बाइबल दा आ जां परमेश्वर दे नाल समय आ। अगर तुसी अपने माइंड नूं समझा लिया आ ते तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आ, तुहानूं कोई परेशानी नहीं आ सकदी। सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, तुहाडे रात का टाइम जिहड़ा आ फिक्स होना चाहिए। अगर तुसी तुहाडा टाइम फिक्स नहीं है तां मतलब तुसी बुरियां आदतां दे नाल ग्रस्त आ। जो दिल किया दुआ मंग ली, जो दिल किया बाइबल पढ़ लिया, जो दिल किया चर्च आ गया, जो दिल किया नहीं आ होया चर्च दे विच, कोई काम पै गया, तुहाडी जिंदगी च पहला स्थान किहदा आ? संडे नूं इबादत दा दिन आ, खुदा दे नाम नूं महिमा देण दा दिन आ, अपने रूह की खुराक लैण दा दिन आ, और असी संडे नूं कित्थे हुंने आ? कोई काम ते हुंदा, कोई जॉब ते हुंदा, कोई घर हुंदा, कोई किते हुंदा, कोई स्टडी कर रहा, मतलब परमेश्वर दा स्थान साडी जिंदगी दे विच कदों आ? मतलब जो तुहाडे कोलो टाइम आ तुसी उदों खुदा नूं टाइम देना। पर मेरी गल याद रखना, फिर परमेश्वर की भी मर्जी होएगी तो उदों ही वह तुहानूं बरकत देगा, उदों ही वह तुहानूं बीमारी तो चंगा करेगा, जदों तुसी इन्हां प्रॉब्लमां दे नाल जकड़े होना आ।
अज तुसी अपने मन मर्जी दे नाल खुदा नूं टाइम दिंदे आ। दौड़ आत्मा क्या दौड़ पैसे दी नहीं है। अज दा इंसान उलट चलदा, वह पैसे दी दौड़ दे पिछे लगा पिया और उहदे विच रुकदा नहीं है। मैं इस गल नूं बखूबी जानदा, अज दा इंसान पैसे कमाउण दी दौड़ दे विच लगा होया और उहदे विच रुकदा नहीं है। चाहे संडे होवे, चाहे मंडे होवे, चाहे प्रेयर दा दिन होवे, चाहे फास्ट रखण दा दिन होवे, चाहे जिहड़ा भी दिन होवे। हालेलुया। पैसे कमाण दी, अमीर होण दी दौड़ दे विच ओह लगातार दौड़दा पिया, पर आत्मक तरक्की करन दे लई और आत्मा दे फलां नूं हासिल करन दे लई जिहड़ी दौड़ दे विच दौड़ना चाहीदा, उहदे विच ओह रुकदा पिया, उहदे विच ओह रुक रुक के दौड़दा पिया है। हालेलुया। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं समझ पा रहे हो। अगर तुसीं अपनियां बुरियां आदतां छड्ड नहीं रहे, चाहे ओह तुहाडी गालां कढ़न दी, चाहे तुहाडी ओह बुरा देखण दी, चाहे बुरा सुणन दी, चाहे बुरा काम करन दी, चाहे बुरे यारां दोस्तां दे नाल बैठण दी, चाहे मखौलियां दी जुंडी क्रिएट करन दी, बनाउण दी जां बैठण दी, इह जिहड़ियां भी बाइबल दे खिलाफ जिहड़ियां गल्लां आ, अगर तुसीं उहनां प्रॉब्लमां दे नाल जां उहनां बुरियां आदतां दे नाल ग्रस्त आ, ते यीशू मसीह दे नाम दे विच तुसीं अज ही उहनां नूं छड्डो। अगर तुसीं बुरियां आदतां नूं छड्डोगे नहीं, ते जिस दिन छड्डन की कोशिश करोगे तो फिर परमेश्वर ने तुहानूं उहनां दे वस पा देना है। और जदों परमेश्वर ने उहनां नूं तुहाडे वस पा दिता, जां तुहानूं उहनां बुरियां आदतां दे वस दे विच पा दिता, ते तुसीं चाह के भी उहनां बुरियां आदतां तों दूर नहीं जा सकते। तुसीं अगर अपनी जिंदगी दे वल झाती मारो, तुसीं किन्ना उहनां पुरानियां जां बुरियां आदतां नाल ग्रस्त हो, जिथों खुदावन तुहानूं कढ के लैके आए, खुदावन नूं चंगा लगा, खुदावन ने दया तुहाडे उपर कीती कि तुहानूं नशे तों कढ के बाहर लैके आवे, पाप की दलदल दे विचों, व्यभिचार की दलदल दे विचों, गालां कढण वाली दलदल दे विचों तुहानूं बाहर कढ के उह लैके आवे, उहनूं चंगा लगा, उहनूं पाया, उहनूं तरस आया तुहाडे मेरे उपर। हालेलुया। अगर असीं फिर उसी गल्लां दे विच वापस जा रहे हां, अगर असीं उन्हां ही पुरानियां आदतां दे नाल अपने आप नूं फिर तों जकड़ रहे हां, या पुरानियां आदतां दे विच उसी दलदल दे विच फिर तों जा रहे हां, ते फिर दोबारा परमेश्वर ने कढ़ना नहीं है। मेरी गल याद रखना, परमेश्वर तुहानूं एक बार मौका देगा, दो बार मौका देगा, तीन बार मौका देगा। गुस्सा करने वाली आदत नूं दूर करो, ये बुरी आदत है। गुस्से दे विच ले हुए डिसीजन दे नाल बंदे नूं आने वाले टाइम दे विच पछतावा हासिल हुंदा है। याद रखना मेरी गल, बाइबल यह नहीं कहता तू गुस्सा ना कर, कर पर जिथे करना उथे कर, आत्मक गुस्सा कर। शैतान ने तो आ खोलिया, गुस्सा कर उहदे ते, पर तुसी अपने परिवारक रिश्तियां दे विच गुस्सा करके अपने रिश्ते खराब कर लेंदे, खुदावन दे नाल अपना गुस्से दे नाल अपना रिश्ता खराब कर लेंदे। बाइबल कहिंदा गुस्सा कर पर पाप ना कर। गुस्सा अपने बच्चियां ते कर, उहनां नूं सिखा, उहनां नूं उहदां ते छिटी चक, तां जो ओह भटकण ना, जिस राह दे उपर तू तोर रहा उहनां नूं, जां जिस राह दे उपर तू चला रहा उहनां नूं। हालेलुया। उम्मीद करदे हां तुसी समझ पा रहे हां। बुरियां आदतां दे विच दोबारा ना जाओ। परमेश्वर तुहानूं दो बार, चार बार, पांच बार, सत बार, अठ बार मौका देगा तुहानूं, पर उहने बार बार मौका नहीं देई जाणा। मेरी गल याद रखना, अगर तुसी सुधर नहीं रहे, अगर तुसी लापरवाही छड्ड नहीं रहे, अगर तुसी सीरियस नहीं हो रहे स्पिरिचुअलिटी दे विच, ते परमेश्वर ने तुहानूं तुहाडे बुरियां विशियां दे वस दे विच ही पा देना। बाइबल साबित करता है, और जो जिम्मेवारी उहने तुहाडे उपर लगाई है, जो तुहाडे तों कोई उम्मीद लगाई है परमेश्वर ने कि हाँ इह तों मैं इन्नियां रूहां बचाउणियां, हाँ इहनूं मैं टेस्टमनी दे लई यूज करना, हाँ इहनूं मैं अपने नाम नूं वडिआउण दे लई यूज करना, हाँ इहनूं मैं गैर कौमां तक लै के जाण दे लई यूज करना, परमेश्वर ने जो जिम्मेवारी तुहाडे उपर लगाई जां तुहाडे उपर कोई आस रखी है परमेश्वर ने, उह फिर चेंज कर देगा, उह अपना प्लैन चेंज कर देगा। अगर तुसीं तौबा नहीं करदे, अगर तुसीं इक सीरियसपन दे विच नहीं आउंदे, अगर तुसी अच्छे रीति दे नाल सच्चे मनो तौबा नहीं करदे पे, अगर तुसी बार बार रिपीट कर रहे हैं पाप नूं, बार बार नशे नूं रिपीट कर रहे, बार बार गालां नूं, बार बार गुस्से दे विच गलत डिसीजन लै रहे हैं, गुस्से दे विच गालां कढ रहे हैं, और गुस्से दे विच तुसी अपनी पत्नी नूं गलत शब्द बोल रहे हैं, या अपने बच्चियां नूं गलत शब्द बोल रहे हैं, इहदा मतलब तुसी बुरियां आदतां दे नाल ग्रस्त हो। हालेलुया। और याद रखना, इहनां नूं छड्ड दिओ। अगर तुसी नहीं छड्ड रहे हैं, ते फिर परमेश्वर तुहानूं इहनां दे वस दे विच ही रहण देगा। अज ही ये तो तौबा करिए, अज ही इन्हां बुरियां आदतां नूं छड्डिए। हालेलुया। उम्मीद करदे हां तुसीं समझ पा रहे हां, और मैं ज्यादा समां ना लैंदे हो तुहानूं कलाम दे विच लैके जाना चाहुंदा।
क्योंकि अगर तुम बुरी आदतों को छोड़ नहीं रहे कि जो परमेश्वर ने तुहाडे तो उम्मीद लगाई है, चाहे परमेश्वर ने जो तुम चुनिया परमेश्वर ने जो तुम अपने को बुलाया परमेश्वर ने, हो सकता 6 महीने च परमेश्वर ने तुहाडे कोल मकसद पूरा कराना हो, जिस मकसद के लिए उन्हें तुम चुनिया, जिस मकसद के लिए उन्हें तुम अपने को बुलाया, पर तुहाडियां बुरी आदतों के कारण वह डिले हों गया काम, परमेश्वर का मकसद डिले हों गया, लेट हों गया। अज भी अगर लेट है तो तुहाडे कारण, तुहाडी मेरी गलतियां के कारण, तुहाडी मेरी बुरी आदतों के कारण जड़ियां असीं छड्डन की कोशिश कर रहे पर छड्ड नहीं हो रहे। पर मैं तुहानूं दसदा कई छड्ड बैठे हैं, क्यों? क्योंकि खुदा की कृपा उन्होंने उपर होगी। पर कई छड्डना चाहते हैं हुण पर वह छड्ड नहीं हो रहा। पर मैं उन्होंने नाल अज गल करदा हां यीशु मसीह के नाम च, अज उन्होंने नाल गल करदा हां, वचन गल करदा, खुदा का रूह गल करदा हां, खुदावन खुद गल करदे उन्होंने नाल। अगर वह छड्डना चाहते हैं पर छड्ड नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि जदों खुदा ने मौके दिते छड्डन दे लई उदों असीं ध्यान नहीं दिता उन्होंने गल्लां दे उपर, वचन सुनिया, दिल नूं छूया वचन, और असीं तौबा करन दी कोशिश कीती और फिर तो उही काम कर दित्ते। कदी वर्शिप दे विच खुदा ने छू लिया, फिर तौबा करन दी कोशिश कीती, फिर चलन दी कोशिश कीती, फिर रुक गए, फिर परमेश्वर ने धक्का लगाया, फिर जोर लगा, फिर आत्मक भैन भरा दे द्वारा वचन कन्ना तक पहुंचिया, फिर तो जिंदगी की मरम्मत हुई, फिर तो दौड़ दे विच दौड़ना शुरू होए, पर फिर अपनी गलत आदतों के कारण फिर तो उदा ही दौड़ दे विच रुक गए। हालेलुया। तुसी देखना अगर तुहाडे नाल दा अगर कोई आत्मक भैन भरा होएगा जिहदे नाल तुसी संगति करके तरक्की कीती है, पर अज तुसी रुके पए आ और वह अपनी दौड़ दे विच दौड़ रहा या वह अपनी दौड़ दे विच दौड़दी पई है, पर तुसी अपनी नकमियां सोचां दे कारण उत्थे ही ठहर गए। उन्हें मैनू पुछिया नहीं, उन्हें मैनू बुलाया नहीं, उन्हें मैनू मेरे वल ध्यान नहीं दिता, वह हुण मैनू मैनू समय नहीं दे रहा या दे रही है। अगर इसी गल्लां दे नाल तुसी अपने आप नूं तबाह करन दी कोशिश करदे पए आ, इह एक बुरी आदत है, एक बुरी सोच है, इह नैगेटिविटी नूं दूर करो अपनी जिंदगी तों। तुसी इहनां सोचां दे विच ही लगे पए आ, बुरियां सोचां दे विच ही लगे पए आ, और उह परसन जिहड़ा तुहाडे नाल दा आ उह इहनां सोचां तों किते पार होके उह अपनी दौड़ दे विच दौड़दा पिया आ। हालेलुया। इह नकम्मियां सोचां आ, मेरे लिए की कीता उन्हें, मैं उहदे लई इन्ना कीता, यह सब नकमियां सोचा है। अगर तुसी इच्चो पार नहीं लंघोगे तो परमेश्वर तुहानूं इन्हां दे वस पा देगा, और जो वस पा दिता परमेश्वर ने तो निकलना मुश्किल आ, जितना मुश्किल आ, मुकट नूं लैणा मुश्किल आ, इनाम नूं लैणा मुश्किल आ। हालेलुया। कायदे मुजब लड़ना बहुत जरूरी है, कायदे मुजब दौड़ना बहुत जरूरी है। अगर रूल तो बाहर होंगे तो कभी जित नहीं पाओगे, बाइबल तो बाहर होंगे कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाओगे, बाइबल तो बाहर होंगे तो कभी भी जीवन की पुस्तक से नाम नहीं लिखवा पाओगे। हालेलुया। उम्मीद कर दिया समझ पा रहे हैं, अगर परमेश्वर ने तुहाडे नूं चुनिया ना तुहाडे तो कोई उम्मीद है, उन्हें तुहाडे तो कोई आस है, आस है उन्हें तुहाडे तो कोई, उन्हें तुहानूं अपने नाम नूं उच्चा करन दे लई चुनिया, अपने नाम दे गवाह बनाउण दे लई चुनिया, अपने नाम नूं गैर लोगां तक पहुंचाउण दे लई तुहानूं चुनिया, तुहाडे तो उम्मीद है उन्हें, तुहाडे द्वारा बीमार चंगे होणे आ इह उम्मीद दे विच परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया। पर असीं अपने बुरियां विशियां दे वस दे विच आ, तुहाडे तो पिछों आके लोग किन्ने अगे निकल गए। हालेलुया। असीं बॉर्न क्रिश्चन आ पर लोग कन्वर्ट हो के, बॉर्न अगेन हो के किन्ना अगे वध गया, तुसी देखिया होएगा। गैर जाति दे लोग जो खुदा दे कोल आउंदे और इन्ना विश्वास दिखाते हैं, असी बॉर्न क्रिश्चन हो के उत्थे बैठे पे हैं, उन्हां उलझना दे विच उलझे पे हैं, क्यों? इन्हां दा कारण यह है कि साडियां जिहड़ियां बुरियां सोचां, साडे माड़े हालात, साडे माड़े ख्यालात, और वह गैर जाति दे लोग परमेश्वर दे नज़दीक आके इन्हां बुरियां सोचां तों, बुरे ख्यालां तों पार लंघ जांदे आ, और साढ़े तो किन्ना अगे चले गए। अज असी बॉर्न क्रिश्चन हाँ पर साढ़े को पवित्र आत्मा नहीं, और गैर जाति तो लोग आके खुदा दे कोल पवित्र आत्मा पा के रूह की खुराक लेके बैठे पे और दौड़ दौड़ते पे हैं और सुसमाचार सुनाते पे हैं। हालेलुया। आज सानू 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए मसीह दे विच आया नूं, पर की कीता सी? अज भी माड़िया सोचा दे वस दे विच पए हैं, अज भी शैतान गुमराह करता है सानू, चाहे किसी भी इंसान दे विचों दी होके करे। हालेलुया।
अगर असी अपनी जिम्मेवारी नू लापरवाही तो बाहर होके पूरी नहीं करांगे तो कभी तरक्की नहीं कर पावांगे। याद रखना, नहीं तो परमेश्वर तुहानू फ्री कर देगा, क्योंकि जिस परसन दे कोलो टाइम नहीं है उन्हें फ्री कर दिता जाना चंगी गल आ, क्योंकि वो ते झूठी उम्मीद रखनी। हालेलुया। मेरा एक रूल आ टीम दे विच, सारे टीम मैंबरस जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं सारिआं नूं पता है, जिहड़ा मैनूं एक दो बार कवे ना कि मैं बिजी सी जां मैं बिजी सी, मैं उन्हूं फ्री कर दिंदा, टीम दे विचों बाहर कढ दईदा उन्हूं। जिहदे कोलों खुदा दे लई टाइम नहीं आ और उहदे तों असीं उम्मीद भी नहीं रख सकदे कोई, क्योंकि जिस दिन उम्मीद रखांगे और जदों ऐन मौके दे उत्ते उहदी जरूरत होगी उह सानूं जवाब दे देगा, इसलिए उन्हूं फ्री कर दिता जाना चंगी गल आ। उहदे ते झूठी उम्मीद रखण नालों किसी होर इंसान दे इंसान नूं चुनो, टीम च लै के आओ और उहदे तों असीं उम्मीद कर सकदे हां कि इह साडा साथ देगा या देगी। जिहदे कोलों टाइम नहीं है, बार बार जो परसन कहिंदा कि मेरे कोल टाइम नहीं, मेरा आह शेड्यूल आ, मैं इस काम च बिजी, पैसा कमाउण च जां जॉब दे विच बिजी, जां रिश्तेदारी च बिजी आ, या अपनी स्टडी दे विच बिजी आ, या मैं ट्यूशन च बिजी आ, मेरा एक रूल आ, मैं उहनूं फ्री कर दिंदा और उहनूं ऐसा फ्री करदा उहनूं दोबारा टीम दे विच आउण दे लई इजाजत नहीं है। फिर जे असीं खुदा दे लई टाइम नहीं कढणा तां फिर कढणा किहदे लई आ, जिहड़ा सानूं साह बख्शदा, जिहड़ा सानूं जिंदगी दिंदा है, जिहड़ा साडा फ्यूचर भी जानदा और उहनूं ब्राइट करदा है, साडे कोल उहदे लई टाइम नहीं है। स्टडी ने नाल नहीं जाना, ना स्टडी ने सानूं स्वर्ग लैके जाना, ना रिश्तेदारां ने, ना यारां दोस्तां ने, ना पैसे ने, ना साडे जॉब ने, ना साडे बिजनेस ने सानूं स्वर्ग लैके जाना। इह सारियां चीज़ां धरती दीआं आ। बाइबल कहिंदा धरती दा ज्ञान परमेश्वर दे भाणे पूरा मूर्ख होणा आ। अगर तुसी धरती का ज्ञान लेंदे पे अपनी जिंदगी दे विच, कईआं नूं बहुत एक कीड़ा हुंदा आ, जाग जांदा कईआं दा, वह पूरा डीप जांदे आ हर एक चीज़ दे विच। अगर कोई चीज़ बनाई गई आ उहदे तक पहुंची आ, वह पूरा डीप जाना, यह बनी किदां, उहदे ते पूरी स्टडी करनी। कईआं दे अंदर यह कीड़ा हुंदा है, पर बाइबल दे अनुसार परमेश्वर दे भाणे मूर्ख होणा आ। कि अगर तुसी सोचो, अगर इस गल दे उपर गौर करो कि ट्रेन दा जिहड़ा टायर हुंदा आ लोहे दे हुंदे आ, कादे बने हुंदे आ, किन्ने सालां च किन्ना घसदा आ, इह बेकार दीआं गल्लां आ परमेश्वर दे भाणे। हालेलुया। और अगर तुसी लापरवाही नूं छड्डदे नहीं आ मसीह दे विच वी आ के, ते तुसी तरक्की नहीं कर सकदे आ, तुसी जित नहीं सकदे आ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਡੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੌਬ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸਭ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੋ।
जिस जिम्मेवारी नूं लगा के परमेश्वर ने तुहानूं चुणिया या तुहाडे तों परमेश्वर ने जो उम्मीद रखी आ और तुसीं उस उम्मीद दे अनुसार अपने आप नूं तैयार करो तां जो परमेश्वर ने जो तुहाडे तों चाहिया ओह उहनूं पूरा करे। बार पाप दे विच जावांगे, बार बार बुराई जावांगे, वह दो मौके दे देगा, तीन मौके दे देगा। दरअसल शैतान ने ना इंसान नूं इसी भुलेखे दे विच पाया होया कि तेरे कोल बहुत समा आ तौबा करन दे लई, बहुत समा आ चेंज होण दे लई, बहुत समा आ तेरे कोल, इसी भुलेखे दे विच पाया होया। और एक होर दूसरा भुलेखा यह है कि चलो तौबा कर लांगे, हुण पाप कर लईए या हुण बुराई कर लईए या हुण पैसा कमा लईए, हुण जो मन दे विच आंदा उह कर लईए, कोई नहीं तौबा कर लईए, इसे भुलेखे दे विच शैतान ने पाया होया और तुसी उसी भुलेखे दे विच फसे पए। अगर इस तों बाहर नहीं ना निकलोंगे तो याद रखना परमेश्वर ने इसी भुलेखे च तुहानूं पा देना आ हमेशा दे लई, और तुसी फिर निकल नहीं सकते। मैं तुहानूं वचन दे विच साबित करदा, बुरियां विषयां दे अधीन कर देना परमेश्वर ने तुहानूं, अगर तुसी बुरा ही सोची जाना आ। परमेश्वर ने तुहानूं फ्री कर देना, फिर तुहाडे ते जिहड़ी जिम्मेवारी, तुहाडे ते उम्मीद या तुहाडे तों परमेश्वर ने जो आस रखी है वह फिर परमेश्वर किसी होर परसन दे उपर लगाएगा अपनी आस, क्योंकि परमेश्वर ने तो अपना काम करवाउणा ही आ, चाहे वह तुहाडे तों करावे चाहे किसी होर तों करावे, क्योंकि जिन्हें उहदा काम करना उहने उहदे ते उम्मीद रखनी है, और जिहड़ा उहदा काम नहीं कर रहा परमेश्वर उहनूं मौका देगा, क्योंकि परमेश्वर जाणदा इंसान दे लई इह पॉसीबल नहीं है, पर उह अपनी शक्ति दिंदा पवित्र आत्मा, वचन का ज्ञान देंदा, एक खिच पाउंदा आ परमेश्वर। यह सब तुहाडे नाल होया आ, पर असीं बेकदरी करदे आ, असीं लापरवाही करदे आ। अगर असीं उहदी कदर नहीं करांगे तां परमेश्वर फ्री कर देगा तुहानूं, फ्री कर देगा परमेश्वर, फिर तुहाडी जिम्मेवारी किसी होर नूं देगा। पढ़िए मेरे नाल प्रकाशित तो वाक्यां दा पुस्तक, उहदा 2 नंबर अध्याय और उहदा 4 और 5 नंबर पंक्ति दे विच इदां करके लिखिआ आ, सुणो बड़े ध्यान दे नाल। प्रकाशित वाक्य उहदा 2 नंबर अध्याय उहदा 4 और 5 नंबर पंक्ति च लिखिआ, कहिंदे पर तां वी तेरे उत्ते मैनूं इह गिला आ भई तूं अपना पहला प्रेम जिहड़ा आ छड्ड बैठा है। कहिंदे सो चेते कर जो तूं कित्थों डिग्गा सी, अज चेते करना आ किहड़े उहनां बुरे विशेआं दे अधीन हो गए सीगियां सी। कहिंदे चेते कर भई तूं कित्थों डिग्गा आ अते तौबा कर और अपने अगले ही काम कर जिहड़े कम्मां दे लई तू चुणिया गया, जिहड़ा कम्मां दे लई तू बनाया गया, जिन्हां कम्मां दे लई तैनूं चर्च दे नाल जोड़िया आ, जिन्हां कम्मां दे नाल तैनूं आत्मक भैण भरावां दे नाल मुलाकात कराई आ, उहनां उह कम्म कर जिस काम दे लई तू चुणिया गया, जो तेरी बुलाहट आ, चाहे प्रार्थना करन दी आ, चाहे हीलिंग करन दी आ, चाहे वचन सुनाउण दी आ, चाहे उपदेशक दी आ, चाहे प्रीचर दी आ, चाहे टीचर दी आ, जो भी तेरी बुलाहट आ। कहिंदे याद कर तू कित्थों डिग्गा, तौबा कर फिर तो खड़ा हो, कहिंदे फिर अगे काम कर। लिखिया कहिंदे नहीं तां अगर तू सीरियस नहीं होया, कहिंदे अगर तू अपनी लापरवाही तो हटिया नहीं, अगर तू परमेश्वर दी गल्लां दे उपर ध्यान नहीं दिता तो फिर की होएगा। कहिंदे नहीं तां मैं तेरे कोल आवांगा अते तेरे क्षमादान नूं ओह दे थां तो हटा देवांगा। और मैं फिर तो पढ़ना, कहिंदा नहीं तां मैं तेरे कोल आवांगा तेरे क्षमादान नूं ओहदे थां तो हटा देवांगा जे तैं तौबा ना कीती। हालेलुया। जे तू बुरियां आदतां तों मुड़िया नहीं, जे तू बुरियां आदतां तों मुड़ी नहीं, तां कहिंदे मैं तेरे कोल आवांगा तेरे क्षमादान नूं हटा देवांगा, उस थां तों हटा देवांगा। मतलब जो जिम्मेवारी, जो अभिषेक, जो मसा, जो गिफ्ट खुदा ने तुहानूं दित्ते तुसीं उहदी कदर नहीं कीती, या लापरवाही नूं छड्डिया नहीं, या परमेश्वर दे विच जां स्पिरिचुअलिटी दे विच जां प्रार्थना दे विच सीरियस नहीं होए, ते बाइबल कहिंदा, परमेश्वर कहिंदे मैं आऊंगा तुहाडे कोल और तुहाडे क्षमादान नूं दे थां तों हटा देवांगा जे तैं तौबा नहीं कीती, जे बुरियां आदतां छड्डियां ने, जे बुरा शड्यूल खत्म नहीं कीता अपनी जिंदगी चों, जे पैसे की दौड़ नूं खत्म नहीं किया। पैसा कमाना बुरी गल नहीं है, पर पैसा ही कमाना बुरी गल है, भी होर कुछ दिखना ही नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कह दिता, कहिंदे कैसर दा कैसर नूं दिओ ते परमेश्वर दा परमेश्वर नूं दिओ। पर अज दा इंसान पैसे की दौड़ दे विच इन्ना क लग गया, वह सिर्फ
कैसर दा कैसर नूं ही दे रहा है, परमेश्वर दा देण दे लई उहदे कोल टाइम नहीं है। पर जिस दिन बुरी बीमारी जकड़ गई ना, बुरी बीमारी आके चिपक गई, या हालात बदलन दे लई टाइम नहीं लगता जो परमेश्वर दे वल्लों हालात बदलते। हालेलुया, और दिन नूं रात दे विच बदलन दी ताकत रखदा। पर याद रखना उदो तुसी चिल्लाउणा ते सुनना किसे ने नहीं। हालेलुया, अज समय तौबा करन दा, अज समय मुड़न दा, अज समय आ परमेश्वर दे नजदीक जाण दा, अज करीब जाण दा, अज अपनी जिम्मेवारी दा एहसास करन दा समय। अगर असी अज एहसास नहीं करांगे ते फिर एहसास करन दा टाइम नहीं मिलना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानू फ्री कर देना। हालेलुया, क्योंकि अगर चीज किसी चीज का असी इस्तेमाल ना करिए तो डस्ट पै जाती है। अगर तुसी जिस चीज न, चाहे वह तुहाडा मोबाइल है, चाहे तुहाडा बाइबल है, चाहे तुहाडे रिमोट कंट्रोल है, चाहे तुहाडा टीवी LCD AC का रिमोट है, अगर तुसी इहनूं यूज नहीं करोगे इहदे उपर डस्ट आ जाएगी। इसी रीति नाल परमेश्वर दे द्वारा दित्तियां गईयां दातां हैं तुहाडी जिंदगी दे विच, तुहाडे परिवार दे विच, अगर तुसी इहनां दा इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि तुसी अपने आत्मा दे विच मजबूत नहीं हो रहे, आत्मा च सरगर्म नहीं हो रहे, तो परमेश्वर ध्यान देगा और जो डस्ट पई देखेगा तुहाडी आत्मक दातां दे उपर, तुहानूं फ्री कर देगा, तुहानूं फ्री कर देगा फिर, क्योंकि उहने जो दातां दित्तियां उह फिर दातां कहिंदा मैं शमादानी चुक दूंगा, कहिंदा तेरे स्थान तों किसे होर नूं दे दवांगा। फिर वह गिफ्ट जिहड़े तुहाडे तक पहुंचे सी उह किसे होर तक पहुंचणगे और तुसीं फ्री कर दित्ते जाओगे। हालेलुया, अगर तुसीं जॉब कर रहे हो, अगर तुसीं अपने मालक दे काम दे प्रति जिम्मेवार नहीं आ, तो मालक तुहानूं फिर रिजाइन देने दे लई बोलेगा, जो तुहानूं जॉब तों कढ देगा वह। क्यों? क्योंकि उहने तुहानूं जिम्मेवारी दित्ती है ना, तुसीं जिम्मेवारी नूं निभा नहीं रहे। इसे रीति दे नाल परमेश्वर है जिहने तुहानूं जिम्मेवारी दित्ती है गवाह बनन दे लई, प्रचार सुनाउण दे लई, प्रचार लोकां तक लै के जाण दे लई, तौबा दे लई। हालेलुया, कहिंदा जे तैं तौबा नहीं कीती मैं तेरा क्षमादान कहिंदा ते उस थां तों चक दवांगा और किसे होर नूं दे दवांगा। जे तैं तौबा ना कीती कहिंदा याद कर तूं कित्थों डिगा सी, तूं अपना पहला प्यार भुल बैठा, तूं पहला अभिषेक भुल बैठा, पहली कृपा भुल बैठा, बार बार तूं अपने दलदल दे विच जा रहा पाप दी, कित्थों परमेश्वर ने तैनूं कढ़िया, किदां कढ़िया? वह नशा, वह गलत काम, वह बुरियां आदतां, वह जेल, वह थाने दे चक्कर, वह पुलिस केस जिथों परमेश्वर ने तैनूं आजाद किया, अज साडे फिर काम उही है कि असीं उन्हां दलदलां दे विच ज्यादा दोबारा जाइए। हालेलुया, अगर असीं नहीं सुधर रहे, अगर असीं नहीं तौबा कर रहे हैं तो परमेश्वर सानू फिर इन्हां ही बुरियां विषयां दे वस च पा देगा, परमेश्वर मौका देगा। अगर असीं नहीं सुधरदे हैं तो परमेश्वर तुहानू उन्हां बुरियां विषयां दे वस पा देगा, बाइबल कहिंदा आ। और तुसीं देखना मिस्र दे विचों सारे निकले, सारे निकले, और परमेश्वर ने फिरौन दा मन जिहड़ा कठोर कर दिता सीगा, परमेश्वर दे वलों उहदा मन कठोर सीगा, तां जो परमेश्वर अपना आप लोगां ते जाहिर कर सके कि मैं परमेश्वर, मैं जो हां सो हां। हालेलुया, परमेश्वर ने फिरौन दा मन जिहड़ा कठोर कर दिता तां जो अपना आप लोगां दे उपर जाहिर कर सके कि लोग जानन कि एक जीवंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आ। सारे लोग मिस्र चो निकले और सारे ने चिन्ह चमत्कार देखे, मखियां दी, डड्डुआं दी बवा देखी, पलोठे दी मौत देखी और हर एक चीज देखी, आकाश तो ओले गिरदे देखे, समुंदर दो भाग हुंदा देखिया, चट्टान च पानी उतरदा देखिया, सब देखिया, सारे ने देखिया, पर कुछ लोग सीगे अपनी नकमियां सोचां दे विच ही सीगे और परमेश्वर ने उन्हां लोगां नूं, नकम्मे लोगां नूं, नकमियां सोचां दे वस च पा दित्ता। चंगी सोच नहीं सोच पाए, चंगी सोच नहीं सोच पाए, अपने बुरियां विषयां दे अधीन ही हो गए। फिर परमेश्वर ने उन्हां नूं बुरियां दे ही अधीन कर दिता, बुरे विषयां दे अधीन कर दिता। सानू खीरे मिलदे सी उत्थे, सानू मीट मिलदा सी उत्थे, साडे लई कबरां नहीं सीगियां उत्थे, एदां ताने मारन लग गए, बुड़बुड़ाउण लग गए फिर, और रास्ते दे विच ही ओह मारे गए। कईआं ने मूरत बना ली, कईआं ने बछड़ा बना लिया और कहिंदे इह साडा रब आ जिहड़ा सानू कढ के लै के आया। बुरे विषयां दे अधीन कर दिता, जिहड़े जिन्हां नूं परमेश्वर ने दलदल चों कढ़िया और फिर तो दलदल चों जाण दी इच्छा रखदे सीगे। हालेलुया, उम्मीद करदा तुसीं हुण समझ पा रहे हो
और ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕਿ ਮੋਸੇਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਸੇਸ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਕੋਈ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੇਮ ਖੇਲਣੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ 2 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ 3 ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੇਮ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਡਿਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਗਰ ਬੁਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੇਮ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬੁਰਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੁਰਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਵਰਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਬੁਰਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਿਕਟਡ ਆ ਘੱਟ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਚਿਤ ਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਉਚਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਚਿਤ ਆ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਲਾਭਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ
यूट्यूब का जमाना है, तुसी कर सकते हैं, नो डाउट, पर ए ना होवे कि तुसी इन्ने एडिक्टेड हो जाओ कि तुहानू होर कुछ दिखे ही नहीं, थोड़ा बाइबल पढ़ना खत्म हो जाए, प्रार्थना करना खत्म हो जाए, ये फिर बुरी आदत है। ये बुरी आदत है तो परमेश्वर तुहानू इहदे पास पा देगा, फिर निकल नहीं होना, याद रखना मेरी गल। हालेलुया। और बाइबल दे विच अगे लिखिया, जदों तुसी मेरे नाल रोमियां दा पुस्तक पढ़ने आ, ओदा रोमियां दा पुस्तक ओदा एक नंबर अध्याय और ओदा 21 तो 25 नंबर पंक्ति तक मैं पढ़ना, तुसी सुनना बड़े ध्यान दे नाल बाइबल की कहिंदा। कहिंदा भावें उन्होंने परमेश्वर नूं जान लिया पर तां भी परमेश्वर दे योग वडियाई ना कीती, ना ओदा धन्नवाद कीता, सगों अपनियां सोचां विच निकम्मे बन गए अते उन्हां दे बुद्धहीन मन हनेरे हो गए। ओ आप नूं बुद्धिमान मन के मूर्ख बन गए। जेड़ा बंदा अज दुनिया दे उपर रुतबा रखदा ना, वह समझदा कि मेरे जिहा कोई नहीं, मैं मतलब सक्सैसफुल हो गया है, पर बाइबल दे अनुसार सब तो वड्डा मूर्ख आ। क्यों? क्योंकि उन्हें नरक जाण दी तैयारी की, क्योंकि जिन्हें सच्चाई नूं नहीं जाने, जिन्हें दुनिया नूं जाण लिया, लोगों नूं जाण लिया, अपने आप नूं जाण लिया, अपने रुतबे नूं जाण लिया, पैसे नूं जाण लिया, पर खुदा नूं नहीं जाणिया, जीवन दे खुदा नूं नहीं जाणिया, वचन नूं नहीं जाणिया, सब तो वड्डा मूर्ख वो बंदा है। हालेलुया। और अगे लिखिया कहिंदा, और आप नूं बुद्धिमान मन के मूर्ख बन गए अते अविनाशी परमेश्वर दे प्रताप नूं नाशवान मनुख पंछियां चौपाया अते किसरन वाले जीव जंत दे रूप दी मूरत दे नाल वटा दिता। परमेश्वर अज तुहाडी जिंदगी च पहला स्थान जिहदा आ उही तुहाडे लई रब आ। अगर रब दा आ ते रब ही होना चाहीदा आ पहला स्थान, जिस नूं तुसी ज्यादा समा दे रहे आ उही तुहाडी जिंदगी दे विच पहला स्थान आ। पर रब पहला स्थान मंगदा आ कि तुहाडी जिंदगी दे विच रब दा पहला स्थान होवे। कहिंदा तू अपने पूरे दिल नाल, पूरी समझ दे नाल, पूरे जोर दे नाल, पूरी ताकत दे नाल अपने परमेश्वर नूं प्यार कर। मतलब तेरा पूरा फोकस तेरा खुदा वल होना चाहिए, तेरा पूरा फोकस बाइबल वल होना चाहिए, तेरा पूरा फोकस आत्मक गल्लां दे वल और आत्मक गल्लां नूं ग्रहण करन दे वल होना चाहिए। हालेलुया। पर अज दा इंसान दा फोकस कित्थे है? इंटरनेट दे उपर, मोबाइल दे उपर, फेमसिटी दे उपर कि मैं फेमस हो जावां, मैं अमीर हो जावां, मेरा रुतबा हो जाए। अज तक इंसान इन्हां बुरियां सोचां दे नाल ग्रस्त है। हालेलुया। बाइबल कहिंदा तुसी स्वर्ग किद्दां जाणा, इहदी भाल करो, हर एक चीज तुहाडे पिछे पै के मिलेगी। मतलब यह नहीं है कि कोई किसी बंदे नूं जॉब नहीं मिलदी तो वह पास्टर बन जाए, नहीं, अपने जोर दे नाल तुसी खुदा दा काम नहीं कर सकते। मेरी गल याद रखना, मतलब यह नहीं है कि किसी नूं कोई काम नहीं मिलता तो वह पादरी बन जाए, नहीं। फिर जिहड़े इदां दे बने आ उहनां दे वचनां तों पता लगदा कि वह खुद ही बने पे हैं। हालेलुया। और अगे लिखिया बाइबल दे विच कहिंदा, इसे कारण इन्हां बुरियां विशियां दे ही कारण लिखिया, कहिंदा इस कारण परमेश्वर ने उन्हां नूं उन्हां दे मनां दे बुरियां विशियां दे गंद मंद दे वस कर दिता, भई उन्हां दे शरीर आपो विच ही कहिंदा बेपत हो जाण। लिखिया उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई नूं झूठ दे नाल वटा दिता अते करतार नूं जिहड़ा युगो युग तानिया आमिन नूं छड्ड के सृष्टि की पूजा ते उपासना कीती। मतलब अज दी टेक्नोलॉजी ने साडी जिंदगी च घर कर लिया। मैं उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हो, अगर बुरियां आदतां नूं छड्ड नहीं रहे ना ते एक दिन एदा दा आएगा इन्हां बुरियां आदतां ने तुहानूं नहीं छड्डना, क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं फ्री कर देना है। अज मौका है, कहिंदा जे तैं तौबा नहीं कीती तां तेरा क्षमादान कहिंदा मैं चुक देना उस थान तों। जे तैं तौबा नहीं कीती कहिंदा याद कर तू कित्थों डिग्गा सी, तू अपना पहला प्यार भुल चुका है, तू किस मकसद दे लई चुणिया गया सी। पहला असीं वर्शिप करदे हुंदे सी, अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज पैसे दी दौड़ ने सानूं लगाया होया अपने मगर। हालेलुया। अज असीं अपने निशाने तो भटक गए हैं। बाइबल कहिंदा एक नल चों दो तरह का पानी नहीं आता,
मिठा ते कौड़ा, असी उही परसन आ। इसी जुबान तो परमेश्वर की वडियाई होंदी सी गीता भजना के द्वारा, और अज इसी जुबान तो असी फिल्मी गाने गा रहे हैं। परमेश्वर की योजना तुहाडी जिंदगी च की सी और असी किहदी योजना नूं प्रफुल्लित होण दित्ता अपनी जिंदगी दे विच? शैतान दी, उन्हें चुप करके बिठा दिता तुहानूं। खुदा ने तुहानूं चुनिया सी, बनाया सी, तैयार कीता सी और तुसीं खुदा की महिमा करदे सी। मैं बथेरे वर्शिपर देखे आ जिहड़े पहला वर्शिप करदे हुंदे सी, अज इन्ने माड़े हालातों के विच ने उह छाडी गल्लां दिओ। क्यों? क्योंकि अपनी बुलाहट की कदर नहीं की, अपनियां गंदियां सोचां दे वस च पै गए। क्योंकि जो तुसीं वर्शिप करना शुरू करदे, चाहे तुसीं लड़की आ चाहे तुसीं लड़के आ, अगर लड़कियां ते लड़कियां दी अट्रैक्शन तुहाडे उपर होनी है, अगर तुसीं लड़कियां ते लड़कियां दी विचों दी शैतान ने काम करना। यह गल मेरी याद रखना, चाहे तुसीं पुराने वर्शिपर आ चाहे नवें आ, चाहे हले बनना आ चाहे हले तैयार होना आ, अगर तुसीं लड़के आ ते लड़कियां दे वलों तुहानूं एक खिचाव पैदा होना तुहाडी जिंदगी दे विच शैतान दे वलों। अगर तुसीं लड़कियां ते लड़कियां दे वलों होना, और फिर उसे तुहाडे उपर डिपेंड है कि तुसीं अपनी बुलाहट ते खरे उतरते कि नहीं, तुसीं इस परीक्षा चो बार होने कि नहीं होने। बहुत तेरे मैं डुबदे देखे आ, मैं ते मेरा परिवार नहीं, मैं ते मेरा परमेश्वर आ। जिहड़ा बरसन इदां सोचदा वह अपनी दौड़ दे विच रुकदा नहीं और दौड़दा जांदा। यीशु मसीह दे नाम च बोलो आमीन, हालेलुया। जिहड़ा कहिंदा मैं ते मेरा परिवार, मतलब अपने लिए सारा कुछ कीता, खुदा दे लई की कुर्बानी दित्ती असी? असी वर्शिप करदे सीगे, किसी नूं कुड़ी पसंद आ गई वह उहदे नाल विआह करा के चुप करके बह गया, किसी नूं मुंडा पसंद आ गया वह मुंडे नाल विआह करा के चुप करके बैठ गए। असी परमेश्वर दे लई की कीता? बाइबल कहिंदा न्याय दे दिन हर एक नूं हिसाब देना पैणा, होया कुछ नहीं आ। परमेश्वर दे काम दे विच थोड़ा विघन पिया, रुकिया नहीं आ, विघन पिया, हालेलुया। परमेश्वर दा काम कदी रुकदा नहीं है, पर तुसी मैं कहना किदां उस दिन नूं सहन करूंगे? बाइबल कहिंदा सदूम ते अमूरा दा हाल चलण जोगा होएगा उस दिन, ते तुहाडा जिन्हां ने अपनी बुलाहट दी कदर नहीं कीती, जिन्हां ने शैतान नूं अपनी जिंदगी च थां दित्ता और उन्हां नूं इह नहीं पता लगा कि उस लड़के दे विचों शैतान ने काम कीता या उस लड़की दे विचों शैतान ने काम कीता, तुसी जिंदगी च कदी प्रफुल्लित नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते, तुहाडे लई कदी तरक्की दे दरवाजे नहीं खोल सकते जिन्हां ने इस तरह कीता। और मैं मोहताज हुंदे देखे आ वह वर्शिपर जिहड़े खुदा की महिमा करते होंगे सी, पर अपने आप नूं बुरियां सोचां दे अधीन कर दिता, फिर बुरे ख्यालां दे बुरे आदतां दे अधीन कर दिता। हालेलुया। बाइबल कहिंदा परमेश्वर फिर उन्हां नूं उन्हां दे गंद मंद दीआं सोचां दे अधीन कर दिंदा। लिखिआ मैं पढ़दा, तुसीं सुनो बड़े ध्यान दे नाल, कहिंदा इसे कारण परमेश्वर ने उन्हां नूं उन्हां दे मनां दे बुरे विषयां दे विच गंद मंद दे वस कर दिता। हालेलुया। अगर असीं छड्डांगे नहीं ते फिर वह आदतां सानूं छड्डणगीआं नहीं। अज मौका आ छड्डण दा, अगर असीं बुरियां आदतां नूं छड्डदे नहीं, अज बुरे ख्यालां नूं अज छड्डदे नहीं आ, बुरे बुरियां आदतां नूं छड्ड नहीं रहे आ, ते याद रखना अज वेला आ, अज मौका आ छड्डण दा। अगर अज नहीं छड्डांगे ते परमेश्वर तुहानूं फ्री कर देगा। देखो उन्हां वर्शिपरां नूं परमेश्वर ने फ्री कर दिता। पहला परमेश्वर उन्हां तों काम लैंदा सी, उह गाउंदे सी, रूह उतरदा सी, उह अभिषेक उतरदा सी, बंधन टुटदे सी लोकां दे। अज परमेश्वर ने फ्री कर दिता उन्हां नूं, मौका ही नहीं आ गाउण दा, मौका ही नहीं आ परमेश्वर दी वर्शिप करन दा, कर दिता फ्री परमेश्वर ने। पहला असीं प्रीचिंग करदे हुंदे सीगे, तुहाडे विचों कई लोग आ कई प्रीचिंग करदे हुंदे, अज तुसीं सुन रहे आ कलाम नूं, पर तुहाडे कोल टाइम ना होण दे करके, तुहाडा टाइम ना देण दे करके खुदा नूं परमेश्वर ने तुहानूं फ्री कर दिता। अज असीं प्रीचिंग नहीं कर सकते। हालेलुया। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे, कदर करो अपने कम्मां दी, कदर करो अपने बुलाहट दी। मैं कहना तानो लोग आ जिन्हां नूं परमेश्वर चुणदा और अपने कम्मां दे लई इस्तेमाल करदा। अगर वह छोटा जिहा कोई खंजरी टाइप भी कोई बजा रहा ना खुदा दे लई, मैं कहना अपने आप नूं धन समझे।
अगर कोई चिमटा भी बजा रहा है, अगर कोई गिटार बजा रहा है, अगर कोई छोटे तो छोटा साज भी खुदा की महिमा दे खुदा के भवन के बजा रहा तो अपने आप को धन समझे, मुबारक समझे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा वो उपर हुई है। हाले लुईया, परमेश्वर चंगा लगा कि वह छोटा साज भी परमेश्वर की महिमा दे उस परसन के द्वारा बजाया जाए। अगर तुम अपने आले दुआले झाती मार के देखो, कई परमेश्वर ने फ्री कर दिता, बिल्कुल टोटली फ्री। हाला लुईया, गला तो है, आवाज तो है, सुरताल का ज्ञान तो है, पर परमेश्वर ने फ्री कर दिता। क्योंकि परमेश्वर इस तरह के घमंडी बंदे पसंद नहीं करता। जिन्हों अपनी आवाज का घमंड हो, जिन्हों अपने गले का घमंड हो, जिन्हों अपने सुरताल के ज्ञान का घमंड हो, परमेश्वर इन दूर करता, अपने तो दूर कर दिता। बाइबल कहता घमंडी का वह सामना करता है। हाले लुईया, उम्मीद करते हैं तुम समझ पा रहे हैं। और अगे लिखिए जो तुम यदा 28 नंबर पंक्ति पढ़ते हैं, कहता जिमें परमेश्वर अपनी पछाण के रखना उन्होंने चंगा ना लगा, उवें ही कहता परमेश्वर ने उन्होंने मंदी बुद्ध के वस कर दिता भाई नखिद काम कर, बुरे काम कर। कहते उन्होंने चंगा ही नहीं लगा कि परमेश्वर अपनी पछाण के रखना, उन्होंने लोगों को चंगा नहीं लगा परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर के लिए गाना, परमेश्वर के लिए बजाना, परमेश्वर के काम करने, कहते उन्होंने चंगे नहीं लगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने मंदी बुद्ध के वस कर दिता ता जो कहता वह चंगे काम कर ही ना सका। फ्री कर दिता परमेश्वर ने उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के तौर पर। हुण कोई बंदिशबाजी नहीं है, गाला कढ़नियां कढ़ो, कोई नहीं तुहानूं रोकण वाला। बुरा देखना देखो, बुरा करना करो, बुरा बोलना बोलो, कोई तुहानूं रुकावट करन वाला नहीं, कोई तुहानूं रोकण वाला नहीं। कदी सी पवित्र आत्मा गवाही करदा, नहीं अज तू बुरा देखिया, नहीं अज तू बुरा कीता, नहीं अज इहनूं माफ कर, नहीं तू उहनूं माफ कर। कदी सी पवित्र आत्मा तुहाडी जिंदगी च इदां करदा, पर अज नहीं आ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तुहानूं फ्री कर दिता। क्यों? क्योंकि तुसीं कदर नहीं कीती। क्यों? क्योंकि तुसीं दोबारा तो उन्हां मंदी सोचां दे वस खुद नूं पा लिया, तां जो तां ही परमेश्वर ने तुहानूं फ्री कर दिता। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हो। कहिंदे उन्हां नूं चंगा ही नहीं लगा परमेश्वर का काम करना, उन्हां नूं चंगा ही नहीं लगा आत्मक लोगों के विच बहना, उन्हां नूं चंगा नहीं लगा परमेश्वर के वचन नूं पूरा करना। इसलिए परमेश्वर ने कहिंदा उन्हां नूं मंदी सोचां दे वस दे विच कर दिता तां जो चंगे काम कदी भी ना कर सकन। हालेलुया। मिस्र चो निकले लोग रास्ते दे विच ही मर गए, जेडे चंगे सी, चंगियां सोचां सी, जिन्हां ने तौबा कर ली सी, वह पहुंचे समुद्र दे विचों पार होके बपतिस्मा लैके कनान देश तक, जिथे दुध ते शहद वगदा और किसी गल की कमी नहीं। हाले लुईया। उम्मीद करदा तुसीं समझ पा रहे हैं। फिर उनका दिल खुदा ने एवें नहीं कठोर किया सी। तुहाडे प्रति कई बार तुहाडे पास्टर का मन कठोर हुंदा है, परमेश्वर दे वलों ही हुंदा है। क्यों? क्योंकि तुहाडियां आदतां नहीं ठीक, तुहाडे हालात नहीं ठीक, तुहाडियां सोचां नहीं ठीक, तुहाडे चर्च दे नाल संबंध ठीक नहीं है, तुहाडे चर्च दे विच अटेंडेंस पूरी नहीं है। हाले लुईया। अगर तुसीं इन्हां गल्लां दे उपर गौर करो तो उम्मीद करदा हां कि तुसीं बहुत अच्छे रीति दे नाल बहुत जल्द तरक्की दे राहां दे उपर जाओगे। दौड़ दौड़नी है, रुकना नहीं है। रुकन अगर रुक गए तो मुकट नहीं लै सकते, जित नहीं सकते। हालेलुया। मैं दौड़ दौड़दा, रुकना नहीं। प्रेयर जिहड़ी रूटीन की प्रेयर है उन्हूं करना और उन इनक्रीज करना, वधाउणा है उन्हूं, घटाउणा नहीं है। लिमिटेड नहीं रखना। एक थां ते पानी खड़ जांदा ना, उल्ली लग जांदी है उत्थे। अगर तुहाडी प्रेयर अद्धे घंटे की है, उन्हें पौने घंटे की करो, उन्हें एक घंटे की करो, उन्हें डेढ़ घंटे की करो, चाहे पांच मिनट भी वधा के करो, पर हिलजुल होने चाहिए आ, सीमित नहीं होना चाहिए। अगर तुहाडा बाइबल पढ़ना पांच चैप्टर आ, सत पढ़ो, अठ पढ़ो, नौ पढ़ो, चाहे एक ही वधा के पढ़ो, पर डे बाय डे थोड़ा बहुत अगे पिछे होना चाहिए। हालेलुया। इहदा मतलब तुसीं तरक्की कर रहे, इहदा मतलब तुसीं अच्छी रीति दे नाल चल रहे हैं खुदा दे विच। जिहड़ी दौड़ दे विच परमेश्वर ने सानू दौड़न दे लई कहा, असीं दौड़दे पए हां। हालेलुया। असीं अच्छी रीति दे नाल दौड़दे पए हां। और अगर तुसीं रुक गए
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੌੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ 70 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ 80 ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ 70 ਵਾਲੀ ਫਿਰ 80 ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਖੁਦਾ ਚ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਕ ਦੌੜਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਂ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਵ ਚੜਾਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਤਮਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਚਲੋ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ 7ਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਆ, 7ਵੇਂ ਤੇ, 8ਵੇਂ ਤੇ, 10ਵੇਂ ਤੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਕੰਮੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ, ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਬੇਕਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪੈਸਾ, ਧਨ, ਦੌਲਤ, ਈਰਖਾ, ਖੂਨ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ, ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੋ ਸਭ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਚੇ ਤਨ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਗੋਡ ਬਲੈਸ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂ, ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ। ਆਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਸਮਝੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਔਰ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਿਰਦੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ,
और खुदावंद लोगों के हिरदे के दिल उन्होंने दिल छिद गए लोगों के मेरे प्रभु और उन्होंने तौबा की बपतिस्मा लिया मेरे प्रभु जी अज भी मेरे प्रभु जी रीति होने पाए थोड़े लोगों ने जब कलाम सुनिया दिलों के उपर जाके खुदावंद वचन का बीज डिगया है तो 100 दा 100 गुणा फलदायक हो मेरे प्रभु थोड़े लोग बुरिया आदतों के बुरे विषय के अधीन होने तो बच जाए मेरे प्रभु तौबा कर अपने अगे ही काम कर जिन्हों कामों के लिए उन्होंने चुनिया है मेरे प्रभु पवित्र आत्मा अगवाई करता जाए मेरे प्रभु कमजोरां दीआं कमजोरियां दूर कर मेरे परमेश्वर बुरियां आदतां नूं साडे तों दूर कर मेरे प्रभु बुरे ख्यालां नूं दूर कर बुरे रिश्तियां नूं दूर कर मेरे परमेश्वर पिता जी बंद समझ नूं खोल दिओ खुदा बंद अखां नूं खोल दिओ बंद कन्नां नूं खोल दिओ बंद हिरदियां नूं खोल दिओ यीशु मसीह दे नाम च मेरे प्रभु मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी तुहाडे लोग जो बीमार ने यीशु मसीह दे नाम च चंगे होण मेरे प्रभु जी पेट दीआं समस्यां खुदावंद छाती दीआं समस्यावां हिरदे दीआं समस्यावां माइग्रेन की प्रॉब्लम खुदावंद यीशु मसीह के नाम च दूर हो जाए मेरे प्रभु हड्डियां दीआं समस्यावां स्किन दीआं समस्यावां मेरे प्रभु जी ब्लड दीआं समस्यावां यीशु मसीह के नाम च दूर होण वायरल फीवर दूर हो यीशु मसीह के नाम च मेरे प्रभु तुहाडे लोग चंगे होण तुहाडे लोग नरोए होण तुहाडे लोग फ्री होण मेरे प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे परमेश्वर पिता जी तुहाडी वड्डी कृपा की मांग करदे हां मेरे प्रभु धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई पवित्र आत्मा जुंबिश करे तुहाडे लोकां दी जिंदगियां दे उपर घरां दे उपर परिवारां दे उपर बिजनेस जॉब दे उपर पवित्र आत्मा जुंबिश करे हालेलुया रफा जीरे बेरे शमन दाना वाला रबा रबा नमुंदा नवंथा नमख सकमंदा नखुदा रबा रगा रबा 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 पवित्र आत्मा जी अपना अधिकार लो अपने लोकां दी जिंदगियां दे उपर मेरे प्रभु और खुदावंद तुसीं साडे लई हर पास्यों चारों पास्यों मेरे प्रभु बरकत के दरवाजे खोलदे हां मेरे प्रभु जी असीं धन्नवाद करदे हां प्रभु साडे परिवारां नूं सुरक्षित रखिआ तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे परमेश्वर पिता जी वड्डी कृपा की मांग करदे हां पवित्र आत्मा की अगवाई नूं मंगदे हां तुहाडे लोग खुदावंद मुड़ तों खड़े होण तौबा करन प्रभु और अच्छे काम करन प्रभु जो तुसीं सौंपे ने मेरे प्रभु जी धन्नवाद करदे सारी गल्लां बातां दे लई प्रार्थना नूं सुणिआ धन्नवाद यीशु दे नाम विच मंगदे ते ग्रहण करदे हां आमेन साडे पिता का प्यार प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगत साडे सारयां दे नाल प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तों लैके खुदावंद दी दूसरी आमद तक हुंदी रहे आमीन मे गॉड ब्लेस खुदावंद तुहानूं सारयां नूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे और अज दे कलाम दे उपर ध्यान देना और खुदावंद दे वल्लों तुहाडे लई मैसेज आ और जिन्हां जिंदगियां तक इह पहुंचणा आ उम्मीद आ और जिंदगियां जिहड़ियां तब्दील होणगियां और तुसीं बुरियां आदतां तों छुटकारा पाओ बुरे विषयां तों छुटकारा पाओ बुरियां सोचां तों छुटकारा पाओ बुरी संगति तों छुटकारा पाओ अगर तुसीं छुटकारा नहीं पाओगे तो परमेश्वर ने इहदे वस च पा देना है तुहानूं इसलिए जिन्ना जल्दी हो सके अपने आप नूं बाहर कढ़ो और जिस दौड़ दे विच परमेश्वर ने सानूं दौड़न दे लई कहा बिना रुके दौड़ो और एक दिन मुकाम ते पहुंच जाओगे यीशु मसीह दे नाम च बोलो आमेन हालेलुया मे गॉड ब्लेस खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे बहुत अच्छा लगा है तुहाडे नाल मीटिंग करके तुहाडे नाल समय बिता के उम्मीद करदा तुसीं भी इस समय नूं अपने लिए लाभदायक बनाया है और संडे की इबादत दे लई तैयार हो जाओ सब जो संगति करदे आ इस संडे प्रभु भोज की मीटिंग आ खुदावंद दे लहू ते बदन दे विच असीं शामिल होना है उस रस्म दे विच शामिल होना बहुत जरूरी है बाइबल कहता हर एक बंदा अपने आप को जांचे ते परखे फिर इस रसम दे विच शामिल होवे क्योंकि जो यीशु का लहू साडे अंदर आना जिस यीशु ने शैतान नूं पैरां थले कुचलिया जिस यीशु ने शैतान दीआं चालां दे उपर फतेह पाई उहदे कम्मां ते फतेह पाई उहनूं शर्मिंदा कीता उहदा ही लहू साडे अंदर आना है और जो उहदा लहू ते उहदा बदन साडे अंदर आ गया तो ये डेफिनेटली गल है कि असीं भी शैतान दीआं चालां ते फतेह पावांगे मे गॉड ब्लैस खुदावंद तुहानूं बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे और सब ने तैयारी दे विच आना है संडे एक्साइटेड संडे है और संडे एक आशीष में देने है तुहाडे मेरे लिए और इस संडे असीं बहुत बरकत पाउणी है आत्मा की भरपूरी लैनी है अग नूं हासिल करना है यीशु मसीह कहिंदे मैं अग लाउण आया हाँ कहिंदे काश कि उह हुण लग गई होवे मैं उम्मीद करदा अज दे वचन दे द्वारा उह अग फिर तो लग गई है और तुसी खुदा दे काम करन दे लई तैयार है मेरा परमेश्वर तुहाडा साथ दवे मेरा परमेश्वर तुहानूं बरकत दवे और मैं फिर तो तुहानूं दसदा है प्रभु भोज की मीटिंग दे लई होली कम्युनियन दे लई अपने आप नूं तैयार करना है तुसी और खुदा तुहानूं बहुत बरकत दे अपनी दुआवां दे विच याद रखना तां जो असीं खुदा दे काम नूं होर भी अच्छे रीति दे नाल तुहाडे तक पहुँचा सकीए खुदावंद दे कम्मां नूं और खुदावंद दी दया नूं खुदावंद दे प्यार नूं मे गॉड ब्लैस
ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਨ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਆਮੇਨ। ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ।